सुप्रभात प्यारे बच्चों, मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले प्रकरण में आप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग का अध्ययन कर रहे हैं। अभी धनुष भंग आपका पूरा नहीं हुआ है, तो उसके आगे की घटना को आज हम देखते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाव लोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सच्ची व्याकुलता बढ़ जानी, धरी धीरज प्रतीत उरानी, तन मन वचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी, जहिके जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान सब राम सब जाना, सिंह बिलोक तकेव धन कैसे, चितव गरुण लघु ब्याल ही जैसे। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लेंगे। गिरा बाणी, अनिल का अर्थ होता है भ्रमरी, मुख पंकज मुख रूपी कमल, लाज निशा अवलोकी रात्रि रूपी लज्जा, लोचन जल आँख का पानी, लोचन कोना आँख का किनारा। तो देखेंगे गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, सीता की मुख रूपी कमलिनी ने, सीता की मुख रूपी कमलिनी ने लज्जा रूपी रात्रि को देखकर, लज्जा रूपी रात्रि को देखकर बाणी रूपी भ्रमरी को रोक लिया। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी वाणी रूपी भ्रमरी को, सीता की मुख रूपी कमलिनी ने लज्जा रूपी रात्रि को देखकर बाणी रूपी भ्रमरी को रोक लिया। अर्थात सीता तत्कालिक समय की परिस्थिति को देख करके कुछ भी कहने में असमर्थ थी, मुंह से कुछ भी बोल नहीं सकती थी। लोचन जल रही लोचन कोना, उसी प्रकार जिस प्रकार आंख का पानी अर्थात आंसू आंख के किनारों में ही रह जाते हैं, जैसे परम कृपन कर सोना, परम कृपन महाकंजूस का धन उसके घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है, जैसे किसी महाकंजूस का धन उसके घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है, उसी प्रकार सीता के आंख के आंसू उस सीता के आंख के किनारे में छुपे रह गए। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीतु रानी, सीता जी ने देखा महसूस किया, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, व्याकुलता बेचैनी बड़ी बढ़ता हुआ जानी जान करके, सीता जी अपने हृदय की व्याकुलता को बढ़ते हुए देख करके बढ़ता हुआ महसूस करके धरि धीरज प्रतीतु रानी, उर का अर्थ था हृदय, धरि मतलब धारण करना, धीरज मतलब धैर्य, अपने हृदय में धैर्य धारण करके प्रतीतुरानी यह विश्वास लाई। अपने हृदय की व्याकुलता को बढ़ते हुए देख करके सीता जी सकुचा गई और अपने हृदय में धैर्य धारण करके यह विश्वास ले आई, तन मन वचन मोरपन साचा, तन मन और वचन, तन से मन से और वचन से मोरपन साचा, मेरा प्रण अगर सच्चा है, तन मन और वचन से मेरा प्रेम मेरा प्रण अगर सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और रघुपति प्रभु श्री राम के पद सरोज कमलवत चरणों की में चितुराचा, अगर मेरा मन लगा हुआ है, तन मन और वचन से अगर मेरा प्रेम सच्चा है, मेरा प्रण अगर सच्चा है और प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में अगर मेरा मन लगा हुआ है, मेरा मन आसक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, सकल उर्वासी सकल संपूर्ण, उर मतलब हृदय, वासी मतलब निवास करने वाले, तो संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाला ईश्वर, करही मोहि रघुपर के दासी, मुझे मोहि मुझे रघुवर श्री राम की दासी करही, मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाएगा।
अगर तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और मैं प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में की अनुरक्त हूँ, उनके कमलवत चरणों में मेरा मन लगा हुआ है, आसक्त है, तो संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाला वह ईश्वर मुझे रघुवर के दासी प्रभु श्री राम की दासी अवश्य बनाएगा। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते मिलहि न कछु संदेहु। सीता जी आगे विचार कर रही हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के जेहि पर, जिनका जिस पर सत्य स्नेहु सच्चा प्रेम होता है, जिनका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सोते मिलहि न कछु संदेहु, वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जिनका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उन्हें अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना, प्रभु श्री राम के शरीर को देख करके, प्रभु तन चितै प्रभु श्री राम के शरीर को देख करके प्रेम तन ठाना, अपने शरीर से उन्होंने ठान लिया, अपने शरीर से उन्होंने यह प्रेम ठान लिया। कौन सा प्रेम? कि जीवित या मरते दम तक इस शरीर से वो प्रभु श्री राम की ही बनेंगी, किसी दूसरे की नहीं हो सकती। तो प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना, प्रभु श्री राम के शरीर को देख करके सीता जी ने अपने शरीर से यह प्रेम ठान लिया कि वो जीते जी किसी दूसरे की नहीं हो सकती हैं, वह जब होंगी तो श्री राम की ही होंगी। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान प्रभु श्री राम सीता की इस मनोदशा को, सीता के इस प्रण को समझ गए, जान गए। कृपा निधान प्रभु श्री राम सीता के इस प्रण को, सीता के इस प्रेम को जान गए। सियाई बिलो की तके उधन कैसे, सीता को वो देखे, सियाई बिलो की प्रभु श्री राम ने सीता की तरफ देखा, तके उधन कैसे और उसके उपरांत धनुष को कैसे देखा। प्रभु श्री राम सीता की तरफ देखे और उसके बाद धनुष की तरफ किस प्रकार देखे, जैसे चितव गरुड़ लघु ब्याला ही, जैसे जैसे गरुड़ देव एक छोटे से सर्प को देखते हैं। प्रभु श्री राम सीता की तरफ देखे और उसके बाद धनुष की तरफ कैसे देखे, जैसे एक गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखता है, इस प्रकार से देखे। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। गिरा अनिल मुख पंकज रोगी, प्रगट नलाज निशावलोकी में रूपक अलंकार है। तन मन वचन मोरपम साचा में अनुप्रास अलंकार है। अचितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे में उपमा अलंकार है। काव्यगत सौंदर्य भाषा अवधि शैली प्रबंधात्मक गुड़े माधुर्य गुण और ओज गुण भी है। रस श्रृंगार रस, छंद दोहा चौपाई, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। आप इसकी संपूर्ण व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।